हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैंने एक वीडियो बना दिया कि आपको SSCGD की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना है फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए गाइस, ठीक है। तो अब मैं एक टॉपिक बताने वाला हूं कि आपको SSCGD में आने के बाद आपको पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिलेगा और क्या क्या हो सकता है और आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। करने वाला तो SSCGD में आके UPSC भी क्लियर कर सकता है और ना करने वाला तो SSCGD में आके अपना स्टेट का भी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है। वो आपका रहता है माइंड के ऊपर और आपकी मेंटेलिटी कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आपको देखो एक बात क्या होती है ना, आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो बट आपका माहौल वैसे बन नहीं रहा है और पढ़ नहीं पा रहे हो, वो एक चीज़ हो जाती है। बट आपका माहौल उधर बन रहा है, आपको पूरा रिलैक्स मिल रहा है, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो, तो वो एक बात हो जाता है, ठीक है। तो यही है कि बहुत से लड़के ये पूछते हैं कि हम ट्रेनिंग टाइम में हमें स्टडी के लिए टाइम मिलेगा या नहीं। ट्रेनिंग टाइम में आपको 95% चांस है कि आपको स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है, ये मान के रख लो। स्टडी में आपको, ट्रेनिंग टाइम में आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। बट अगर आपको रेस्ट में मिल जा रहा है तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अपना जुगाड़ लगा ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, या फिर बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, आप जुगाड़ लगाने में महारत हासिल है आप लोगों को, तो आप आराम से अपना टाइम निकाल के आप तो ट्रेनिंग में ही UPSC एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बट जेन्युइनली आप अपना ट्रेनिंग के साथ साथ अपने ईमानदारी से अपने ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई भी जुगाड़ उगाड़ नहीं लगा रहे हो, कोई भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस अपना ट्रेनिंग फोकस कर रहे हो, आप अपना हर चीज़ हर क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसके बाद तो भाई साहब आपका पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। बट रेस्ट कब कब मिल जाएगा, जैसे देखो संडे के दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, या फिर कोई GH हो जाएगा तो रेस्ट मिल जाएगा, या सेकंड सैटरडे GH होगा तो आपको रेस्ट मिल जाएगा। रेस्ट मतलब क्या, आपके जो माइंड में जो ट्रेनिंग का शेड्यूल दौड़ता रहेगा ना, वो शेड्यूल नहीं दौड़ेगा बस, बट आपका जो वर्किंग कराया जाएगा, आपको काम में लेके जाएंगे, वर्किंग कराएंगे, ठीक है, वो टाइम होगा तो आपको 2-4 घंटा 6 घंटा संडे के दिन आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है ट्रेनिंग के दिन के बदले। बट जिस दिन आपको रेस्ट मिलेगा ना, उसी दिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं साफ़ सफाई करूं और मैं अपने कल की दिन की तैयारी आज ही करके रख दूं और रात को आराम से सो जाऊं, ये थिंकिंग रहता है, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग के टाइम तो छोड़ दो कि आप पढ़ाई कर पाओगे, बट अगर हो जाता है, आप कर लेते हो, जुगाड़ लगा लेते हो, तो भाई आप कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको एक पीरियड रहता है कि ड्यूटी टाइम के बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जो कि जो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा कन्फर्म टाइम रहेगा कि उसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। बट 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी अगर होता है तो आपको बुलाया जा सकता है, आपको जाना पड़ेगा। बट नॉर्मली अगर माहौल नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको 2-4 घंटा 6 घंटा तो पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। खुद सो लेना, फिर उठ के पढ़ाई कर लेना। अगर आप इतना एक्सपीरियंस वाले बंदे हो कि बिना सोए भी आप पढ़ाई करना सकते हो, तो आपके ऊपर महारत हासिल है। बट मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि मैं SSCGD में आने के बाद और कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर लूँगा, जो दूसरे लोग घर में बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन कर लूँगा, उसमें आप लगभग 90% गलत हो सकते हो, 10% सही हो सकते हो, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान के चलो कि आप SSCGD में आ गए, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, और एक जो बंदा है वो SSCGD में नहीं आया, उसका टारगेट सिविल का कुछ है, ठीक है, स्टेट का सिविल का कुछ है, बट आपका भी टारगेट था स्टेट में सिविल का, बट आपने सोचा कि नहीं यार मैं SSCGD में ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, सैलरी भी मिलता रहेगा, मैं पढ़ाई भी करता रहूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आपको ड्यूटी रहेगा, आपका दिनचर्या रहेगा, हर चीज आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हर चीजें रहेंगी, ठीक है। बट ये जो लड़का घर में रहेगा, ये अपना माइंड फ्रेश रखेगा कि इसको जो टारगेट है, इसका सिविल जॉब निकालना है, तो वो अपना टारगेट रख के आराम से वो सिविल जॉब के लिए पूरा पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। वो जितना अपनी पढ़ाई को 100% दे पाएगा, आप उतना शायद नहीं दे पाओगे, चाहे आप बहुत बड़े मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हो, तब भी आप उस हिसाब से इसको कंपटीशन नहीं दे पाओगे। बट शर्त यह है कि अगर ये अगर कम पड़ रहा है तो उसके हिसाब से आप आगे ऊपर जा सकते हो, बट ये अपना पूरा 100% दे रहा है ना, चाहे आप अपना 100% दो, फिर भी इसके नीचे ही रहोगे गाइस, ठीक है। तो यही है, अगर आपको माइंड में है कि नहीं मुझे अदर कुछ सिविल में ज़्यादा बड़ा पोस्ट मुझे क्रैक करना है, तो आप एक बार ये करो कि थोड़ा रिस्क ले लो। बट रिस्क लेना भी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी फैमिली और आपका बैकग्राउंड और आपका सपोर्ट हिसाब से। अगर आपको फैमिली में कुछ भी सपोर्ट नहीं है, आपके भरोसे आपकी फैमिली है, आप कुछ मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, और अगर आप SSCGD में हो जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि यार मैं इसमें नहीं जाऊंगा और मैं स्टडी करके और इससे बेस्ट कुछ पोस्ट अचीव करूंगा, तो वो अपने आप में एक रिस्क हो जाता है। तो उतना रिस्क तो मैं कभी ले नहीं पाया था, तो मैं SSCGD में आ गया। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उतना रिस्क ले सकते हो क्या इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना है, ठीक है। बट मेरा सजेशन 50-50 है, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन रहेगा, तो उसमें डिसीजन लेने में मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं आप लोगों के लाइफ का। तो आप आके भी अगर पढ़ोगे, आप
दिलो जान से आप पढ़ोगे तो इधर से भी आप एग्जाम निकाल लोगे। बस इधर क्या है, जो सिविल जो बाहर रह के एक लड़का पढ़ रहा है अपना 100% दे रहा है, 100% दिमाग लगा रहा है, बट आपको यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा उससे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको सैलरी भी मिलेगी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, सैलरी मिलेगी इसलिए कि आप ड्यूटी करोगे, और ड्यूटी करोगे तो आपको थोड़ा स्टडी के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा एज ए सिविल जो रहता है, ठीक है। बट और जो अदर एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई का, जैसे कि प्लस टू प्लस थ्री डिग्री और जो भी बहुत सारे आगे अपग्रेड ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी टीचरिंग हो गया, टीचिंग का हो गया, फिर इंजीनियरिंग हो गया, या फिर जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। बस आपको शर्त यह है कि आपको NOC एक लिख के दे देना है, उस हिसाब से आपका जब एग्जाम होगा आप अपना पढ़ाई करते रहना, जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम आप छुट्टी भर के आराम से घर में जाना और एग्जाम दे के आ जाना गाइस, ठीक है। तो बात यही है और कुछ नहीं है। बट आप ये सोच रहे हो कि मैं इधर आने के बाद उससे बड़े वाले पोस्ट में ट्राई करूंगा, अदर सिविल